बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सद्री वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अदील अनियम फ्रॉम ईएलए इंस्टीट्यूट हाफ़ज़ाबाद रोड गुजरांवाला। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन पोएम रिटन बाय वाइट एंड द नेम ऑफ द पोएम इज दैट फेथ इज डेड। दैट फेथ इज डेड। होता यूँ है कि वाइट जो है उसकी जो बिलवर्ड है वो एडल्ट्रस हो जाती है और उसे पता चल जाता है, वो उसके बाद ये पोइम लिखता है कि दैट फेथ इज डेड। और देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त पोइम है। और एक चीज़, एक क्वालिटी वाइट की ये भी है कि हर पोइम डिफरेंट है, मतलब आपको पेपर में ये फाइंड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत तो सॉरी है, कोई ख़ास ज़ोर नहीं लगेगा आपको कि ये पोइम कौन सी और ये पोइम कौन सी है, चूँकि सारी पोइम्स डिफरेंट है। ये देखें, ये दो दो लाइन, मतलब छोटी छोटी लाइंस में उसने पोइम लिखी हुई है, और दैट फेथ इज डेड उस हिसाब से देखिएगा। कहता है व्हाट शुड आई से, उसके बाद क्या लगाया हुआ उसने, उसने जो है ना उसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है दैट फेथ इज डेड के बाद। देखिए व्हाट शुड आई से, मैं क्या कहूँ फिर, सिंस फेथ इज डेड, क्योंकि अब मेरा तुम पे एतबार ही नहीं रहा। एंड ट्रूथ अवे फ्राम यू इज फ्लैड, और तुम्हारे अंदर से सच्चाई जो है, ट्रूथ जो है वो तो उड़ गया, वो तो चला गया, अब तुम तो रह गए बेवफा, तो इट इज़ नेवर एवर पॉसिबल कि मैं अब तुम पे ट्रस्ट कर जाऊँ। और देखिएगा कहता है व्हाट शुड आई से सिंस फेथ इज डेड एंड ट्रूथ अवे फ्राम यू इज फ्लैड, शुड आई बी लेड विद डबलनेस, शुड आई बी लेड विद डबलनेस। डबलनेस के बाद उसने क्वेश्चन साइन दिया हुआ बेटा, इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है क्या मुझे भी तुम्हारी तरह डबल होना चाहिए, यानी कि इधर तो मुझे मैसेज कह रहे हो गुड मॉर्निंग, उधर किसी और को कह रहे हो, और उसे पता चल गया। ठीक है, वो कहता है ये क्या है, ये तो डबलनेस हो गया, तुमने क्या कहा था, कहता है शुड आई बी लेड विद डबलनेस, क्या मुझे भी तुम्हारी तरह इस तरह डबलनेस को अपनाना चाहिए, मुझे भी एक दिल रखते हुए और उसमें एक महबूबा रखते हुए किसी और को भी उसमें समाना चाहिए। देखिए आगे कहता है ने ने मिस्ट्रेस, ऐसा नहीं है, आई प्रॉमिस यू एंड यू प्रॉमिस मी टू बी एज टू एज आई वुड बी, बट सिंस आई सी योर डबल हार्ट फेयरवेल माई पार्ट। क्या कह रहा है, मैंने तुमसे वादा किया था और तुमने मुझसे वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ सिंसियर रहेंगे, मगर तुमने जब डबल हार्ट शो कर दिया तो मेरा पार्ट फेयरवेल, यानी कि मेरा अब तुम्हारे साथ उस तरह से गुजारा नहीं होगा। देखें कहता है फेयरवेल माई पार्ट, थॉट फॉर टू टेक इट इज नॉट माई माइंड, कहता है मेरा अब कोई माइंड ही नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं अब तुम्हारे साथ इस तरह से रह पाऊंगा, क्यों, चूंकि कहता है बट टू फॉर सेक, अब मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, लीव कर दूंगा, एंड एज आई फाइंड सो विल आई ट्रस्ट फेयरवेल अनजस्ट। अब मैंने इसका नतीजा यह निकाला है कि अब मैं तुम्हें बाय बाय तो कह रहा हूँ, लेकिन अब मेरा बाय बाय भी जो है ना वो अनजस्ट होगा, इनमें जस्ट जो फेयरवेल है बेटा वो इस तरह से है कि इनकी आपस में अगर खुदा ना खासा शादी भी टूटती है ना, फॉर एग्जांपल, तो डिवोर्स भी होती है, तो उसकी पार्टी करते हैं और प्रॉपर सेपरेट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि वो उसे कहता है गुड लक, वो उसे कहती है गुड लक, असी ते आने तेरा रवि कख ना नहीं समय लगी, असी असी आने मैनू इतने तबाह किए इंशाला तेनों ना इस जहाँ ते ना अगले जहाँ, ये ऐसा नहीं कहते, ये कहते हैं जी इट्स ओके, कोई बात नहीं, गुड लक, अगर हमारा नहीं बन सका आपस में तो इट्स ओके। अब ये देखिए वो कहते हैं मैं तुम्हें सजा पता क्या दूंगा, फेयरवेल अनजस्ट, वो क्या है, कैन यू से, ने तुम इससे इनकार कर सकते हो, बट दैट यू सेड दैट आई ऑलवेज शुड बी ओबेड, तुमने तो कहा था कि हमेशा तुम ओबे करोगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, बट दस बी ट्रेड, और तुमने मुझे धोखा दे दिया, और दैट आई विश्ड फेयरवेल अनकिस्ड, और अब मैं ऐसा करूंगा कि तुमसे जुदा होऊंगा और तुमसे आखिरी मुलाकात भी नहीं करूंगा। दिस इज द एंड ऑफ द पॉइंट, थैंक यू वेरी मच।